स्टूडेंट्स, भारत के विदेश संबंध पाठ चार भाग दो में आपका स्वागत है। अब तक हमने भाग एक पढ़ा, जिसमें हमने भारत की विदेश नीति, शीत युद्ध, भूनिरपेक्षता तथा एफ्रो एशियाई एकता के बारे में पढ़ा। अब हम भाग दो में चीन के साथ भारत के संबंध, इसमें शांति और संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। चीन के संबंध भारत के साथ शुरू में बहुत ही अच्छे थे। 1949 ईस्वी में चीन में क्रांति हुई, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। भारत ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा समर्थन किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को चीन पर इतना भरोसा था कि उसके साथ पंचशील का समझौता भी कर गया था। लेकिन नेहरू के दोस्त सरदार वल्लभ भाई पटेल को आशंका थी कि चीन भारत पर आगामी दिनों में आक्रमण करने वाला है, लेकिन नेहरू ने इस पर विश्वास नहीं किया और जो पंचशील का समझौता हुआ था उसमें ये पांच बातें प्रमुख थी। नंबर वन, प्रभुसत्ता का सम्मान करना, कि एक देश दूसरे देश की प्रभुता का सम्मान करेगा। नंबर दो, आक्रमण न करना, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। नंबर तीन, आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप न करना, दोनों देशों में से कोई भी देश एक दूसरे के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नंबर चार, समानता तथा परस्पर लाभ, सभी को एक समान समझा जाएगा तथा सभी को समान लाभ मिलेगा। नंबर पाँच, शांति में सह अस्तित्व, और सभी दोनों ही देशों में शांति बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई के बीच हुआ था। इसके बाद है चीन का भारत पर आक्रमण। 1962 में चीन ने जब मौका मिला तो भारत पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के दो प्रमुख कारण माने जाते हैं। नंबर वन है तिब्बत की समस्या, नंबर दो है तिब्बत की समस्या और नंबर दो सीमा विवाद। तिब्बत की समस्या का जब हम जिक्र करते हैं तो आता है कि चीन ने तिब्बत पर अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया था 1950 ईस्वी में, लेकिन तिब्बत की जनता को ये पसंद नहीं था। और जब 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था तो चीन ये समझ रहा था कि भारत ने चीन तिब्बत पर चीन के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया है। 1956 ईस्वी में जब चीन के प्रमुख भारत दौरे पर आए तो साथ में तिब्बत के दलाई लामा भी भारत के दौरे पर आए और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को तिब्बत की समस्या के बारे में बताया। 1958 ईस्वी में तिब्बत की जनता ने चीन के विरुद्ध आक्रमण कर दिया तो चीनी सेना ने उसको वहीं पे दबा दिया और तिब्बत के दलाई लामा, धार्मिक नेता दलाई लामा ने भागकर 1959 ईस्वी में भारत में शरण ली और भारत ने उसको राजनीतिक शरण दे दी। जब चीन को इस बात का पता चला तो वो भारत से नाराज हुआ कि वो अंदर ही अंदर तिब्बत का साथ दे रहा है। इसके बाद दूसरा है सीमा विवाद। सीमा विवाद, चीन का ये मानना था कि सीमा विवाद जो है सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। भारत तो मानता था कि सीमा का विवाद जो है पूरा हो चुका है, लेकिन चीन मानता था कि अंग्रेजी शासन काल में जो सीमा विवाद का समझौता हुआ था वो अब नहीं मान्य होगा। और इसलिए चीन ने क्या किया, भारत के साथ जो सबसे लंबी रेखा लगती है उसमें अरुणाचल प्रदेश पर, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में लद्दाख के सियाचिन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन बाद में भारतीय सेना ने उन पर आक्रमण करने की सोची और चीन की सेना वापस चली गई। लेकिन बाद में मौका मिलते ही चीन ने दोबारा से ही भारत पर दोबारा से आक्रमण कर दिया और चीनी सेना अरुणाचल से होती हुई असम के मैदानी प्रवेश द्वार तक पहुंच गई और
चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। चीन और भारत के इस युद्ध से भारत की छवि को देश विदेश में गहरा धक्का लगा और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो छवि थी वो भी धूमिल होती चली गई और लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। भारतीय चीन और सोवियत संघ के युद्ध से इसका प्रभाव दूसरी पार्टियों पर भी पड़ा और कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन शुरू हो गया। जो नेता एक खेमा कम्युनिस्ट पार्टी का, एक खेमा जो सोवियत संघ के हक में था वो कांग्रेस से अपनी बढ़त बनाए हुए था और जो खेमा सोवियत संघ के विरुद्ध था उन्होंने माकपा की स्थापना की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई और ये खेमा चीन के पक्ष में था। भारत और चीन के युद्ध से भारत के नेताओं का ध्यान पूर्वी इलाके की ओर गया जो कि पिछड़ा हुआ था और अखंडता की दृष्टि से भी चुनौतीपूर्ण था। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा जो कि केंद्र शासित प्रदेश थे उनको विधानसभा निर्वाचन का अधिकार दिया गया। अब हमने भारत और चीन के युद्ध के बारे में पढ़ा। अब हम पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध को पढ़ेंगे। कश्मीर की समस्या का झगड़ा सुलझते ही जैसे ही पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसी समय दोनों की सेनाओं में भारी टकराव हुआ जो कि पूर्ण रूप से युद्ध का रूप न ले सका। इस युद्ध के बाद दोनों में शांति समझौता हुआ और इसके बाद दोनों में ही जो सिंधु नदी के जल को लेकर जल के बंटवारे को लेकर तनातनी बनी हुई थी वो विश्व बैंक की सहायता से 1960 में जनरल अयूब खान के बीच और नेहरू के बीच संधि होने से वो झगड़ा समाप्त हो गया। 1965 में पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण। हालांकि दोनों के संबंध अब तक अच्छे थे लेकिन अचानक ही अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ के इलाके के रण में युद्ध छेड़ दिया और भारत की सेना ने भी उसका करारा जवाब दिया। इसके तुरंत बाद अगस्त और सितंबर में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की सेना ने ये समझ कर आक्रमण कर दिया कि कश्मीर की सेना उनका साथ देगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोनों के बीच ही युद्ध हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे उन्होंने पंजाब की तरफ से सेना को भेजा और पाकिस्तान की सेना को करारा जवाब दिया। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1964 ईस्वी में मौत हो चुकी थी। इसके बाद है दोनों के बीच जो 1965 में झगड़ा हुआ था उसका जो समझौता हुआ उसे ताश्कंद समझौता कहा जाता है जो कि आज के लिए बस इतना ही है। बाकी हिस्सा हम भाग 3 में करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हैं भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन कब हुआ। तिब्बत की समस्या पर एक नोट लिखें। कश्मीर की समस्या क्या थी। भारत और चीन के बीच युद्ध का क्या कारण था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का क्या कारण था। ताश्कंद समझौता कब और किन किन के बीच हुआ। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तब तक के लिए नमस्कार और आशा करती हूँ कि आपको अब तक का पढ़ाया हुआ पाठ समझ में आ गया होगा।